चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिवदेलागु। आज पूरे राजस्थान में प्रदेश एकीकृत महासंघ के आह्वान पे राजस्थान सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया जा रहा है जिसके अंदर हर वर्ग के कर्मचारी की इसके अंदर डिमांड्स है। आप देख लीजिए कि जो अशोक गहलोत जी की सरकार है वो केवल कर्मचारियों को ओपीएस देके अपना पल्ला झाड़ रही है। ओपीएस के अंदर यह है कि जिन कर्मचारियों को फ्रैक्शन किया जा रहा है, कर्मचारियों को बांटा जा रहा है। ओपीएस जो 2004 से लागू करी है, जनवरी 2004 से, उसमें केवल 3 लाख कर्मचारी आ रहे हैं, जबकि सारे कर्मचारियों की डिमांड्स चाहे मंत्रालय हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वो हॉस्पिटल का कर्मचारी हो, पुलिस का कर्मचारी हो, सबकी मांगे अभी अधूरी पड़ी है। और हमने इस 21 सूत्रीय मांग पत्र के अंदर सरकार को ये चेताया है कि या तो हमारी मांगे तत्काल पूरी करें, खेमराज कमेटी को बार बार उसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है उसको बंद करें, और डीसी सामन कमेटी की रिपोर्ट जो 5 साल से पेंडिंग पड़ी है उसको सरकार लागू करे, राजस्थान रोडवेज को सरकार राज्य कर्मचारियों का दर्जा दे, और पाते वेतन संघ की जो मांग है हमारे सहायक कर्मचारियों को MTS लागू करे। गजेंद्र सिंह राठौड़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भरपूर कोशिश करके राजस्थान के अंदर एकीकृत महासंघ के बैनर पे सरकार को ललकार रहे हैं, और 27 अगस्त को उदयपुर के अंदर एकीकृत महासंघ का एक बहुत बड़ा अधिवेशन और रैली होगी, और मेवाड़ की धरती से जिस प्रकार अशोक गहलोत ने विपक्ष को ललकारा है उसी तरह कर्मचारी अशोक गहलोत की सरकार को ललकार करेंगे। और आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को, इसलिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। जितने भी राजस्थान के जिले हैं जिनके ऊपर सबके ऊपर एक मत हो के कर्मचारी, अब कर्मचारी इस सरकार से दो दो हाथ करने के लिए सड़क पे आ चुका है और तैयार है। अब अशोक गहलोत साहब को अपने पार्टी के काम छोड़ के और एक कमान संभाल लीजिए स्टेट के कर्मचारियों की, के कर्मचारियों की क्या मांगे हैं उनसे बैठ के द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए। कांति कुमार शर्मा, समाज प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर।